अभी एडिक्वेट टेम्परेचर तक, वो जब तक गर्म नहीं होगा। उसके बाद बिल्कुल इसमें बिल्कुल सर बिल्कुल मटन डालेंगे। हाँ, इसके बाद अभी मटन डालेंगे और फिर और उसके 5 मिनट के बाद हम डालेंगे ये मिर्ची, साबुत मिर्ची, और ये लहसुन है, साबुत लहसुन, ये सारा हम इसमें डालने वाले हैं। ओके, तो एक यहाँ पर अबेंडन कॉटेज है जिसमें ताले लगे हुए हैं, लेकिन एक कैंपिंग साइट मिल गया है और यहाँ पर कोई है नहीं जिसे पूछूं। चलिए यहाँ पर अब कैंप लगाते हैं, यहाँ आने में बहुत मुश्किल होगी। ओके, मतलब स्ट्रक्चर को प्रॉपर शेप देने के लिए। वेरी गुड। ऑलरेडी इन बल्कि माँ से हम रहेंगे। हाँ, एक बार से अच्छा पनीर लग रहा है। हेलो एवरीवन, तो कुकिंग प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ये जो रेसिपी बन रहा है वो लाल मांस है, तो लाल मांस रेसिपी है जिसमें हम सिर्फ डालेंगे शुद्ध देसी घी, साबुत लहसुन और ये मिर्ची है। ये सर ने जो है वो घी डाल दिया है पहले। वाह, अभी एडिक्वेट टेम्परेचर तक, वो जब तक गर्म नहीं होगा
उसके बाद इसमें सर मटन डालेंगे। हाँ, इसके बाद मटन डालेंगे और फिर और उसके 5 मिनट के बाद हम डालेंगे ये मिर्ची, साबुत मिर्ची, और ये लहसुन है, साबुत लहसुन, ये सारा हम इसमें डालने वाले। कुलदीप जी जरा उसमें देखिए तो नमक का डब्बा है क्या? अगर इफ इट इज नॉट देयर तो उसमें होगा, इसमें नहीं है ना, इसको देखिए। ओके, कोई नमक नहीं है इसमें, होगा पक्का होगा नमक, नमक की लाइट या इधर होगा, अरे नहीं नहीं सॉरी इसमें होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना नमक के खा लेंगे। वैसे भी आप मटन तो खाते नहीं है, हम तो पनीर ही खाएंगे। आप तो पनीर ही खाएंगे, तो जो खाता है मटन वो अपना देख ले, वो अपना देख ले भाई अपना। सर इस रेसिपी को पूरा नाम क्या है, जब बनके तैयार होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये एक्चुअली ऐसा है, इसकी जस्ट लेट मी गो इनटू द हिस्ट्री। राजस्थान में बहुत पहले पुराने जमाने में क्या होता था कि राजा महाराजा या जो भी शिकार करने जाते थे तो जो कुछ भी उनको मिलता था उसको जानवर को मारते थे। जैसे खासकर जंगली सुअर हो गया या हिरन हो गया या जो भी मारते थे। जी जी जी। उनके पास जो इंग्रेडिएंट्स स्पाइसेस वगैरह कम होते थे, उन्होंने एक नया रेसिपी उनका याद उन्होंने किया कि उसमें सिर्फ नमक डालते थे, लहसुन डालते थे और मिर्ची डालते थे, जो अवेलेबल कहीं भी हो जाता है, और उससे बना हुआ जो रेसिपी है उसका नाम रखा गया लाल मांस। कहीं भी कह सकते हैं या फिर इसी वे में हर जगह उपलब्ध हो जाए लाल मांस। हाँ, हर जगह उपलब्ध हो जाए। और लाल मांस यह सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में ही पाया जाता है और आपको यह रेसिपी कहीं नहीं मिलेगी। अच्छा, वो भी जयपुर से आगे, मतलब अगर आप यू फाइंड इट इन जयपुर और अलवर लाइक प्लेसेस तो यून फाइंड यूट गेट, यू गो बियॉन्ड जयपुर अलवर टुवर्ड्स थार डेजर्ट जैसलमेर एंड बीकानेर एंड ऑल, तो यू विल बाड़मेर या बाड़मेर। तो ये कितना टाइम में ये रेडी हो जाएगा सर? इट विल टेक एटलीस्ट 1 आवर, एटलीस्ट 1 आवर, बिकॉज इट विल फर्स्ट गेट क्रिस्पी एंड आफ्टर दैट इट विल बिकम टेंडर। ओके ओके गुड। इसके साथ क्या आप चपाती बनाने वाले हैं या नहीं? चावल। अच्छा, सिर्फ चावल? सिर्फ चावल नहीं, वी आर कुकिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटन। ओके, दिस इज लाल मांस। ये मैंने लहसुन डाल दिया, अब इसमें मैं डालूंगा यह लाल मिर्च है, साबुत लाल मिर्च, और इसे मैंने सोक किया सारा। हाँ, इतना सारा। ये तीखा नहीं होता है साहब? तीखा नहीं होता। अच्छा, जैसे हाथी के 2 दांत, एक खाने के लिए एक दिखाने के लिए। उपमा इतना सारा मैंने डाल दिया और इसको अब मैं इसकी बदबू, मतलब मुझे पता नहीं क्यों, मैं नहीं खाता हूँ ना, तो मुझे अच्छी नहीं है, पीने वाली है, दिखाने वाली नहीं। इसमें आपने कुछ मिलाया तो नहीं है ना? नहीं, बस थोड़ा सा रॉयल स्टैग मिलाया इसमें, तो मुझे लग ही रहा है हल्का हल्का ना, मेरे को स्मेल आ रहा है। अरे इसमें तो मिला हुआ है रॉयल स्टैग, मैं नहीं पी सकता भैया, ये तो मैं अगर पी लिया ना तो मैं नागी डांस शुरू कर दूंगा, फिर आपको तकलीफ हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ। नहीं, जंगल बहुत है, आपको छोड़ देंगे उधर। कोई बात नहीं।